Hello students, I'm Dr. Charu Sharma and today we are going to start with the Vedana Adhyay. Our major subject series mein Bal Rog ka jo hai, चार टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी और अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं वो वेदना अध्याय है। वेदना अध्याय में से बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेदना अध्याय बेसिकली क्या है, एक साइंस है, डायग्नोसिस का एक तरीका है पीडियाट्रिक्स में। वहाँ पे क्या होता है कि हमको जो है साइंस और सिम्टम्स जो है वो पेशेंट बताता नहीं है, तो एज अ डिटेक्टिव एज अ इन्वेस्टिगेटर हमको क्या करना पड़ता है, हमको जो है वो सिम्टम्स और साइन हमको पहचानने पड़ते हैं, आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं एग्जामिनेशन में, जो हिस्ट्री उसकी जो है जो उसके पेरेंट्स देते हैं, जो उसके अटेंडेंट्स देते हैं, तो वहाँ से हमको जो है पता लगाना पड़ता है। हमारे जो पीडिया के सर थे वो हमको क्या बोलते थे थर्ड ईयर में कि एक पीडियाट्रिशियन कैसा होता है, एक पीडियाट्रिशियन जो है वो एक डिटेक्टिव जैसा होता है, उसके सामने पूरा सीन होता है, बस उसको देखना होता है कहाँ पे जो है गड़बड़ है, क्योंकि उसको आके कोई बताने नहीं वाला है, उसको खुद सारी चीज़ें जो है समझनी होती है। तो अब हम शुरू करते हैं वेदना अध्याय से, पर यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, आपको आराम से जो है रिलैक्स होके बस इमेजिन करना है, सुनना है, एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ फन लेक्चर। तो आपको सिर्फ जो है चीज़ों को सुनना है और समझना है, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग वेदना अध्याय करते थे तो हमको बहुत डिफिकल्ट कहाँ पे डिफिकल्टी लगती थी वो होती थी कि इतने सारे डिजीजेज हैं, इतने सारे सिम्टम्स हैं, तो ये कैसे इसको हम कोरिलेट करें। तो सबसे इजी तरीका क्या होता है कि जिस चीज़ को आप देख लेते हो उस चीज़ को आप कभी नहीं भूलते, तो वही वाला जो है फंडा हम यहाँ पे जो है हमने ऑप्ट किया है। और अब हम स्टार्ट करते हैं वेदना अध्याय से। वेदना अध्याय में जो फर्स्ट डिजीज़ जो हम आ रहे हैं वो है अतिसार। अब इसकी इसमें जो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये इमेज देखो, इस बच्चे का कलर कैसा है, ग्रीनिश कलर है। ये एक पॉट पे बैठा हुआ है जो कि स्टूल पास करने के लिए जो हम जो बच्चों की जो पॉटी सीट होती है उस पे ये बैठा हुआ है, ठीक है। इसका कलर जो एकदम फेडेड है और ये बिल्कुल दुखी लग रहा है, ग्लानी वक्त लग रहा है, इसको नींद आ रही है, और नीचे से क्या क्या निकल रहा है जहाँ से वो स्टूल पास करना चाह रहा है, वात भी निकल रहा है और अतिसार तो हो ही रहा है, और ये थोड़ा पेनफुल है, इसलिए देखो बीच में हाथ करके वो कैसे बैठा हुआ है, ऐसे करके जो है वो बैठा हुआ है। तो आपको ये पिक्चर ऐसे ही ध्यान होनी चाहिए, किसकी पिक्चर है, ये अतिसार की पिक्चर है। तो इसमें फीचर्स क्या क्या हैं, अब हम आते हैं फीचर्स पे, क्या क्या है। सबसे पहले है देह वैवर्ण्य। देह वैवर्ण्य हमने कहाँ से देखा, ग्रीनिश कलर से। हमने अर्थी और मुख ग्लानी देखा जो कि कितना दुखी जो है ये परेशान सा लग रहा है। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वात कर्म निवृत्तिश्च। वात कर्म निवृत्तिश्च, नीचे से हमने क्या बोला, स्टूल तो पास कर रहा है पर बहुत सारी वायु भी जो है वो पास कर रहा है और उसको पेन्स तो हो ही रहा है। तो ये है अतिसार। अब उसके बाद एकदम आंखें अपनी बंद करो और अतिसार के जो है सारे सिम्टम्स देखो क्या क्या है। एक बच्चा है, पॉटी सीट पे बैठा हुआ है, कलर उसका फेडेड है, और उसमें क्या देखो आप, उसको पेन हो रहा है, वो दुखी है, और नीचे से क्या निकल रहा है, नीचे से वात कर्म निवृत्तिश्च जो है वो पॉइंट आ रहा है। तो आपको ये कोटेशन जो है वो ध्यान रखनी है, ठीक है। अतिसार क्लियर। अब उसके हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम क्या देख रहे हैं, विसूचिका। तो विसूचिका हमने क्या देखा, विसूचिका कैसी हुई होती है, सुई जैसी होती है, और ये सुई जो है वो देखो बेबी ने एक हार्ट पकड़ा हुआ है, उस सुई जो है हमको बेबी के हार्ट पे टच करानी है। ये तो प्लास्टिक का हार्ट है, बेबी को कुछ नहीं होगा, बस ये जो है हमको हार्ट पे ये जो सुई है ये ऐसे वो करनी है, ठीक है, इंजेक्ट करनी है। तो विसूचिका के अब सिम्टम्स पे आ जाओ, तो सबसे कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है विसूचिका से, सबसे इम्पॉर्टेंट वही है, बाकी फीचर्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस विसूचिका का ये फीचर आपको याद रखना है। विसूचिका बालानाम हृदय शूलम च वर्धते, हृदय शूलम च वर्धते, ये इम्पॉर्टेंट है, हृदय शूलम च वर्धते। तो यहाँ पे जो है जो आप देख रहे हो ये जो बेसिकली जो ये सुई है ये कहाँ पे आके आई, ये आई बेबी के हार्ट पे, तो सुई विसूचिका, हार्ट हृदय शूल, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। ये भी याद हो गया हमने अतिसार की, अतिसार की पिक्चर फिर से याद करो, और जो है अब विसूचिका पे आओ। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आया वो क्या है, अलसक। क्या है अलसक, अलसक का मतलब क्या है, जो लेजी हो, जो आलसी हो। तो एक आलसी बच्चा कैसा होगा, उसको बोलेंगे बेटा दूध पी ले, वो कहेगा नहीं मैं तो
सोऊंगा, मुझे नहीं पीना। क्या करेगा वो, दूध भी नहीं पिएगा। और उससे वो इतना लेजी है कि उससे जो अपनी नेक होल्डिंग जो होती है ना, जो हम पढ़ते हैं कि एक बच्चा जो है वो 3 मंथ्स में, इतने मंथ्स में जो है अपना नेक होल्ड करना स्टार्ट कर देता है, तो वो क्या नहीं करेगा, वो इतना लेजी है कि वो शिरो ना धारयति, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, शिरो ना धारयति, शिर का धारण भी नहीं करेगा। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, स्तनम पिबति नात्यर्थम, भाई पीता ही नहीं है, वो इतना आलसी है कि उसको ना दूध पीना भी नहीं पसंद, उसके मुंह में बस कोई डाल दो ऐसे, उसको स्तन्य जो है वो उसको ऐसे मेहनत करके उसको सक करना उसके बस की नहीं है, वो इतना लेजी है। और अगर कर भी देगा तो उसको पचाना पसंद नहीं है, वो क्या कर देगा, वो छर्दी कर देगा उसकी, उसको पचाना भी नहीं है, उसको पीना भी नहीं है ढंग से, और वो जो है उसको निकाल देगा। तो क्या है, नात्यर्थम ग्रथितम छर्दी अत्यपि, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अलसक से आपको चीजें ध्यान आएंगी, शिरो न धारयति नात्यर्थम ग्रथितम छर्दी अति अपि, अलसक मतलब लेजी। अब उसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, वो क्या है, उदरशूल। उदरशूल में आप इस बच्ची को देखो क्या है, उदरशूल एब्डोमिनल कॉलिक, इसको पता चल रहा है इसके पेट में दर्द हो रहा है, फेस पे क्या है, पसीना है पूरा, है ना, इतना उसको पेन हो रहा है कि वो इतने ज्यादा परेशानी में है। तो उदरशूल, आपको पिक्चर याद हो गई, अब हम सिम्टम्स पे आते हैं। अब इसमें देखो, उदरशूलम स्तन व्यव, क्या बोला है, व्यवदस्यातिथि, और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, शैत्य मुख स्वेदश्च शीलिना, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो केवल यही है, शैत्य मुख स्वेदश्च शूलिना, मुख पे स्वेद होना उदरशूल का है, और इसमें भी जो है उसको दूध पीना जो है अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो यही जो है इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब उसके बाद हम आते हैं तृष्णा पे, तो तृष्णा तो बहुत सिंपल है, तृष्णा में कुछ नहीं है, तृष्णा में बस ये है कि उसको जब प्यास ही नहीं लग रही तो भाई इतना प्यास लगेगी ना, दूध पीने का मन करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। और इसमें क्या होगा, शुष्क जो है, शुष्क ओष्ठ तालु, ये सब जो है शुष्क शुष्क हो जाएंगी, तो बहुत सिंपल सा है, इसको अलग से जो है नहीं, आप बस आपको पढ़ लेना है, इसमें अलग से मेमोराइज करने का बहुत पॉइंट नहीं है। अब आ जाओ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, वो क्या है, आना, आपने वो सुना है एक जो गाना है, एक आना मेरी ऐसे करके, एक शाहरुख खान का सॉन्ग है ना, तो उसमें आना को बुलाता है वो, है ना, आना आना जो भी उसका नाम है, तो ये जो बेबी है इसका नाम भी आना है, ठीक है। और ये आना आना मेरे प्यार को ना तुम झूठा समझो, ऐसे ऐसे करके जो गाना है, याद है आपको, तो शाहरुख खान की जो मूवी का गाना है वो यहाँ पे आप फिट कर दो, क्या है, यहाँ पे आना है, इस बच्चे का नाम क्या है, इस बच्ची का नाम क्या है, आना है। आना आना के आंखें देखो कितनी बड़ी बड़ी हैं, और जो है कैसे देख रही है ये, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फीचर वो क्या है, वो क्या है, विशाल स्तब्ध नयन, एकदम स्तब्ध है, बड़ी आंखें हैं, विशाल स्तब्ध अयन नयन, आपको कुछ भी जो है भूलेगा पर आना नहीं भूलेगा, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना। और साथ में क्या, संरुद्ध मूत्र अनिलवित, संरुद्ध मूत्र अनिलवित, जो इसका सब कुछ ऑब्स्ट्रक्टेड है, आना है तो सब कुछ ऑब्स्ट्रक्टेड ही होगा ना, मूत्र निकलेगा ना, अनिल निकलेगा ना, विट निकलेगा। तो और क्या है सबसे इम्पोर्टेंट, ये आना वाले मूत्र अनिल विट वाला तो आपको याद रहेगा, पर ये विशाल शब्द नयन आपको इस पिक्चर से ही याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट आम दोष पे, आम दोष बहुत स्पेसिफिक है, उसको जो है धात्री से जो है द्वेष हो जाता है, ठीक है, आम दोष है उसको धात्री से द्वेष हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि अगर वो नहाया है तो लगेगा कि वो नहीं नहाया, और भाई अगर उसने नहीं नहाया तो लगेगा वो नहाया है, ठीक है, उल्टा उल्टा होगा वाइसी वर्षा, कि नहाया है तो लगेगा नहीं नहाया, और नहीं नहाया तो लगेगा नहाया है, तो ये क्या है, आम दोष। अभी इतना टिपिकल है कि आम दोष तो आप कभी नहीं भूलोगे, है ना, तो इतना स्पेसिफिक और टिपिकल पॉइंट है ये। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जंतु दंश पे, जंतु दंश जो है वो स्पेसिफिक क्यों है, क्योंकि उसमें क्या है, स्वस्थ वृत्त परो बालाम नशेते तु यदा निशी, देखो स्वस्थ वृत्त के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है, कि आपको जो है रात में नहीं जागना, रात में सोना है, पर अगर जंतु दंश हो जाए तो स्वस्थ वृत्त पड़ जाएगा उल्टा, तो क्या होगा, आप क्या करोगे, आप दिन में जागोगे, तो ये क्या है, जंतु दंश। कि भाई ऐसा एक बच्चा है जिसको पता नहीं ऐसे किस कीड़े ने काट लिया कि वो अब तो रात में जागता ही रहता है, ठीक है, ऐसा एक बच्चा है जिसको एक ऐसे जंतु ने काट लिया कि वो अब रात में जो है जागता ही रहता है, ठीक है, याद रहेगा।
अब उसके बाद आते हैं पांडु और कामला पे। पांडु और कामला के लिए आपको पांडु से क्या याद आता है? पांडु से हमको याद आता है क्या? पांडु से हमको याद आता है पांडा। क्या याद आता है? पांडा, है ना? तो ये पांडा जो है हमको ध्यान आता है। तो पांडा जो है ये आपको पांडु से याद रखना है। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? नाभ्याम समंततः शोथे, नाभ्याम समंततः शोथ, श्वेत अक्षी नख वक्रता। अब देखो ये पांडा क्या व्हाइट और ब्लैक से ही बना है, और जो है ये व्हाइट 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 व्हाइट, तो आपको ध्यान रखना है कि श्वेत हो जाता है। और साथ में क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखो ये पांडा अपने कहाँ पे दिखा रही है? अरे देखो मेरी नाभि में स्वेलिंग हो गई है। नाभ्याम समंततः शोथः, नाभि में जहाँ पे स्वेलिंग हो वो क्या है? वो है पांडु। पांडु रोगे अग्नि सादश्च श्वयथुश्च अक्षी कटकूटयो। अब पांडा की आपने आईज देखी कभी, कितनी बड़ी बड़ी होती है, ऐसा लगता है जैसे स्वेल हो चुकी हो। तो श्वयथुश्च अक्षी कूटे हो, जो अक्षी कूट है वो स्वेल लगते हैं। तो मृत भक्षण चन्ने पांडु के जब आप फीचर्स पढ़ते हो तो वहां पे भी हमको ऐसे सिमिलर फीचर्स मिलेंगे। तो जब हम मृत भक्षण चन्ने पांडु पढ़ेंगे चरक चिकित्सा में, तो मैं आपसे ये फिर से क्वेश्चन पूछूंगी, इसलिए इसको याद रखना, ठीक है? उसके बाद क्या आया? अब देखो ये इंपॉर्टेंट, नाभ्याम समंततः शोथा आपको याद हो गया, श्वेत अक्षी ये भी ध्यान हो गया, पांडु रोग अग्नि सादश चाहिए तो भाई आप तो ध्यान ही सिंपल सा है, पांडु में तो होता ही है अग्नि की विकृति, और सबसे इंपॉर्टेंट है श्वेतुश्च अक्षी कूटे, तो ये भी आपको याद है। तो पूरे पांडा को देख के पूरा आप जो है समझ जाओ। अब कामला में अलग से क्या है? कामला में हमको पता है सब कुछ कैसी हो जाती है, येलोइश डिस्कलरेशन हो जाती है, तो येलोइश डिस्कलरेशन हम सबको पता है। अब देखो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या पूछा जाता है? निरुत्साहो और जो है नष्ट अग्नि रुधिर स्पृहा, ये जो है ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है हमारे पांडु और कामला दोनों से, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है उभयत्र। क्या बोला है? उभयत्र। क्या बोला है? उभयत्र, दोनों के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। उभयत्र निरुत्साहो नष्ट अग्नि रुधिर स्पृहा, जो ये लाइन है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत पूछी जाती है, ठीक है? तो आज हमने जो है वेदना अध्याय के जो मेन मेन पॉइंट्स है वो हमने कवर किए। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में भी कवर करेंगे, पर आज के लिए जो है हम यहाँ पे इस लेक्चर को पूरा कर रहे हैं, ताकि आप इसको दोबारा पढ़ो, समझो, और जो टेस्ट होगा उसमें जो है हम स्टार्टिंग से लेके बाल गृह से लेके वेदना अध्याय जो है वो पूरा पूछने वाले हैं, ठीक है? तो अभी जो है आपका होमवर्क यही है कि शुरू से लेके एंड तक आप पूरा रिवाइज करो, टेस्ट पेपर जो कि दिए गए हैं उनको सॉल्व करो, उनकी आंसर की भी साथ में दी गई है तो आप उसको भी सॉल्व करो, उसको देखो कि कितने कितने आपके जो है करेक्ट हैं और कितने जो है गलत हैं। तो ये जो है हमने कंप्लीट किया वेदना अध्याय, जिसमें से कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो कि हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ हमको उनको कवर करना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जहाँ से आते हैं वो पॉइंट्स जो है हमने प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन से टैली करके यहाँ पे जो है आपको प्रेजेंट करें। अब जो है आपका होमवर्क ये है कि आज सभी बच्चों को जिन्होंने अपना जो है वीक सब्जेक्ट निकाला था, आप सबने हमको बताया आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है, तो ज़्यादातर बच्चों का जो वीक सब्जेक्ट निकल के आ रहा है वो क्या है? द्रव्यगुण है, रसशास्त्र है और मॉडर्न है, मोस्टली बच्चों का। चरक संहिता का कुछ कुछ एरिया जो है वीक लगता है। तो जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है उसको एक पेपर पे लिख के जो है आप एक अलग से रख लो, ठीक है? पेपर वो कहाँ चिपकाना है? जहाँ पे आप पढ़ाई करते हो वहाँ पे वो पेपर रखो, और आपको ज्यादा फोकस जो है उस पे करना है। साथ साथ में हम आपको होमवर्क छोटे छोटे देंगे जो हम ग्रुप पे डिस्कस कर रहे हैं, कि आप कैसे अपने वीक सब्जेक्ट को शुरू से जो है ध्यान दे के चले, और लेक्चर्स में अकॉर्डिंगली जो है आप तैयारी करो, ठीक है? तो ये हम अब कंप्लीट कर रहे हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसके आगे वाला एरिया जो है वो हम कवर करेंगे। और हमारे जो अभी देखिए स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था कि हम संहिता जो है अक्टूबर से स्टार्ट करें, तो हम अक्टूबर से ही स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे स्टूडेंट्स का भी जो 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 क्वेरी सब आई थी उसको उसको साथ में लेके ही हमने जो है ये हमारी टीम ने जो है ये डिसाइड किया कि हम जो अक्टूबर में जो है अपनी संहिताएं
फुल फ्लेज स्टार्ट कर देंगे और जनवरी फेब तक हमारा टारगेट रहेगा कि हम जो है अपना कोर्स पूरा कर लें। देखिए एक सिलेबस जो हमारा होता है उसमें जो मेजर जिसमें से ज़्यादातर 70-80% क्वेश्चंस आने वाले हैं वो हम कोशिश करते हैं कि हम जल्दी कंप्लीट करें और जो बाकी छोटे छोटे एरियाज हैं उसको हम साथ साथ लेते जाएँ। तो अब हम ये चैप्टर कंप्लीट करके नेक्स्ट पे मूव करेंगे कल। ऑल द वेरी बेस्ट।